अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी ये बची हुई रोटी से एक बेहतरीन नाश्ता। ये नाश्ता बहुत ही मज़ेदार है और इसे बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं बची हुई रोटी से ये मज़ेदार नाश्ता कैसे बनाया जाता है। एक मैंने रोटी ली है, रोटी के हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे। इसी तरह सारी रोटी के ना टुकड़े कर लेने हैं। हमारी वीडियो को पूरी देखना। रोटी के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए ने। तीन मैंने अंडे लिए ने, अंडों को भी तोड़ लेंगे। तीन अंडों को भी मैंने तोड़ लिया। चीज़ के भी मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए ने। रोटी के पीस डाल लेंगे, टुकड़े डाल लेंगे, तीन अंडे डाल लेंगे, चीज़ के पीस डाल लेंगे। आप इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया। जो मैंने पेस्ट तैयार किया उसे मैंने बर्तन में डाल लिया। एक चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज डाल लेंगे, कद्दूकस की हुई गाजर डाल लेंगे, एक चम्मच सब्ज धनिया डाल लेंगे, एक छोटी चमची नमक डाल लेंगे, आधी चमची सुर्ख लाल मिर्च डाल लेंगे, आधी चमची हल्दी पाउडर, आधी चमची गरम मसाला, आधी चमची सूखा धनिया। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। चूल्हे को मैंने जला लिया। अब ऊपर पैन रख लेंगे। एक चम्मच ऑयल डाल लेंगे। पैन को अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे। अब इसकी छोटी छोटी रोटियां बना लेंगे। ऐसे इसकी छोटी छोटी टिक्कियां तैयार कर लेनी है। इसे ना एक मिनट तक एक साइड से फ्राई करना है, एक मिनट तक एक साइड से फ्राई करना है। माशाल्लाह इसे हम उल्टा लेंगे। एक चम्मच ऑयल लगा लेंगे। ये वाली साइड से भी एक मिनट तक पका लेना। माशाल्लाह नाश्ता हमारा बहुत ही अच्छा बना है। चूल्हे को बंद कर देंगे। इसे नीचे उतार लेंगे, प्लेट में डाल लेते हैं। माशाल्लाह नाश्ता हमारा बहुत ही अच्छा बना है। हमारी वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा खुदा हाफिज़।